हेलो दोस्तों, यदि आप केले की खेती के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि केले की खेती पुरानी केलों की जड़ों से कैसे की जाती है, साथ ही समय के साथ केले की खेती में क्या क्या जरूरत पड़ती है, जिसको आपको किस तरह से पूरा करना चाहिए जिससे आपको एकांत में अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एग्री अबो को, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आज हमारे एक केले के खेत में जहाँ पे केले की खेती की जा रही है, जैसे आप नीचे देख सकते हो जो केले का बीज कंद को लगाया गया है, जिसे हम गट्टा बोलते हैं, इसे पुराने केलों से खोद के निकाला जाता है। इसके अलावा एक तरह से और खेती की जाती है केले की, जो कि नर्सरी से बीज तैयार होते हैं उनसे की जाती है, जिन्हें हम टिशू बोलते हैं। हमारे इस एरिया में तो 50% से ऊपर गट्टे ही लगाए जाते हैं, क्योंकि ये पुरानी पद्धति है। जो नई खेती टिशू की है उसमें पैसे भी लगते हैं, साथ में यहाँ के किसान जो है वो इतने अनुभवी नहीं है कि वो टिशू की खेती कर सके। साथ में ये भी देखना जरूरी है कि हम पुरानी पद्धति में कुछ भूलते तो नहीं जा रहे हैं, जिससे हम नई पद्धति में आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस तरह से तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि नई पद्धति सही है कि पुरानी पद्धति सही है। यदि दोनों सही है तो किन पॉइंटों में सही है और किन पॉइंटों में गलत है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे केले के बीजों को लगाया गया है, और साथ में आप जो केले की फसल देख रहे हो ये 10 से 12 दिन की है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो पौधों का लॉस होता है वो बहुत कम है। जैसे आप ध्यान से कभी और देखोगे तो ये पौधे की ग्रोथ मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह से है। साथ में कुछ पौधे ऐसे निकलते हैं जो कि ऊँग तो आते हैं, पत्तियां तो निकल आती है, पर वो ऊपर बढ़ नहीं पाते, तो उन्हें हमारे लोकल भाषा में भौरी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो जो पौधे ऊँग तो आए हैं पर वो हाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए हम इन पौधों को निकाल देंगे जमीन से और इसकी जगह नए पौधे को लगाए जाएंगे, जो कि हमारा गट्टा रहते हैं उसको लगा देंगे। तो इससे जो लॉस होगा वो कम होगा पौधों का, और साथ में उसमें से भी यदि कम बाय चांस कुछ पौधे अच्छी तरह से नहीं बन पाए तो उसकी जगह आप पपीते के बीज भी लगा सकते हो, जिससे आपको दोहरी इनकम के चांस रहते हैं, और पपीते के जो पौधे रहते हैं वो केलों के बीच में अच्छे से बन भी जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो आप केले की फसल, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब ये 1 से 1.5 महीने की फसल आप देख रहे हो। इसमें जो ग्रोथ हुई वो बहुत कम है, उसके बहुत से रीजन हैं, जैसे बारिश तो हो रही है पर इन्होंने जस्ट एक दिन पहले ही जो खरपतवार होती है उसको निकाला है, और वो भी पूरी तरह से नहीं निकाला है। साथ ही में जो भी इनको फर्टिलाइज़र अभी तक देना था वो इन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से दिया नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत धीमा काम चल रहा है, पर साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मैंने किसान भाई से पूछा जो ये फसल लगाएं आप चारे को क्यों नहीं निकाल रहे हो, साथ ही साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं कि यदि मैं ट्रीटमेंट करने जाऊंगा तो जितना खर्चा होना है उससे ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि बारिश हो गई थी, गीला था, कभी मैं मजदूर लगाऊंगा तो महंगे पड़ेंगे, 7 से 8 हज़ार ले जाएंगे, साथ ही कभी मैं उर्वरक फर्टिलाइज़र भी दूंगा तो वो प्रॉपर तरह से यूज नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सब्र करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी आप टाइम पे उर्वरक नहीं दोगे। हाँ, थोड़ा डिफरेंस आएगा 1-2-4 दिन या 1 महीने ग्रोथ में, पर उससे आपका जो बजट है वो मैनेजमेंट पूरी तरह से चलता रहेगा, और साथ में जो आपको फाइनल में जो अमाउंट मिलेगा उसको भी देखना पड़ेगा कि बजट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं तो कमाई कम होगी और बजट ज़्यादा होगा। दोस्तों, ये लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं इस फसल को, और इस फसल में अभी बारिश हुई थी थोड़े दिन पहले, अब देख सकते हो इसमें चारा उगाया था थोड़े दिन पहले ही, इसको क्लीन किया चारे को, तो आप देख सकते हो ये गट्टे की फसल है जो प्रॉपर तरीके से चल रही है। अभी कम से कम खर्चा भी बहुत कम लगा है, कम से ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये अभी तक इसमें लगे हुए हैं,
ढाई महीने के अंतराल में, उसमें एक बार उन्होंने खाद डाली थी जिसका मिश्रण मैं आपको साइड में बता रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ा बहुत इन्होंने बैलों की हेल्प से इसकी जुताई करके जो चारा निकालना था वो निकाल दिया है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो 3 महीने की फसल है, और साथ ही साथ इसमें 2 बार फर्टिलाइजर भी हो चुका है जिसके बारे में मैंने आगे आपको बता चुका हूँ। साथ में आप देखोगे तो इन्होंने सिंचाई के लिए इस तरह की पद्धति यूज की है जिसे हमारी आम भाषा में नकटिया बोलते हैं। तो यह क्या काम करती है, जैसे आप यदि आप सिंपल लाइन बनाते हो नाली इस तरह से, तो यह क्या करेगी, पानी इसमें जल्दी चला जाएगा, पानी गहराई पे नहीं जा पाएगा। तो उससे क्या रहता है कि आपको बार बार पानी देना पड़ेगा केले की फसल को, और इस तरह की पद्धति में पानी रुक रुक के जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो इधर ये घूमेगा फिर उधर जाएगा, तो इसमें पानी रुक रुक के जाता है तो गहराई पे चला जाता है, तो पानी कम देना पड़ता है। इन्होंने 3 पौधों के लिए कवर किया है, केले के पौधों के 1, 2, 3, ये 4 के लिए भी कर सकते हैं, 6 के लिए भी कर सकते हैं। उसमें पानी सिंचाई, उसमें पानी सिंचाई में टाइम लगता है, क्योंकि वो लाइन को मैंने जैसे कहा है कि कवर करने में टाइम लगेगा, पानी और ज़्यादा गहराई में जाएगा। पर ये 3 जो केलों के लिए इस तरह के नकटे बनाए हैं ये बहुत सफिशेंट हैं, पानी भी जल्दी हो जाएगा और जिस गहराई में पानी जाना वो भी चला जाएगा। और ये ग्रोथ हो रही है किस तरह से पानी चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि किसान भाई सिंचाई कर रहे हैं वहाँ पे, इस तरह से ये बेंच से पानी निकलता है, और उसके बाद ये अब देखोगे इस तरह से ये यू टर्न टाइप, ये पूरी सिंचाई के लिए नाली बनी है जिसे लाइन बोल सकते हैं, और इस तरह से ये बार बार घूम घूम के पूरे खेत की सिंचाई हो रही है। तो ये देखो आप टाइम ले रहा है, जैसे मुड़ने में रुकता है तो पानी जैसे गहराई में जाता, और साइड में जो ही है आप नालियाँ कभी सोचे हो तो सिंचाई के लिए बनाई है, तो इसका 2 पर्पस रहता है। सिंचाई के लिए क्या है कि बाय चांस आपने देखा है कि लाइन बंद हो गई है, आधे आधे खेत में सिंचाई हो चुकी है, आधे खेत में नहीं हो चुकी है, तो आप इसको आधे खेत जो नाली में पानी जाएगा आधे खेत को आप छोड़ के जो रिमेनिंग खेत है उसकी सिंचाई इससे कर सकते हो। और साथ में जो वेस्ट आता है फ्यूचर में आप केले की जैसे पत्ते आते हैं ये बड़े हो जाते हैं तो सड़ने लगते हैं, साथ में कुछ खरपतवार आता है तो उसको भी इस जो नाली है इसमें रख सकते हो, वो तो उससे क्या रहेगा वो यहीं पे सड़ जाएगा और आपको जो बाकी बगीचा है वो साफ रहेगा। और इसको जब तक आप यूज भी कर सकते हो तो शॉर्टकट पानी के लिए, जैसे ये बगीचा बहुत बड़ा हो चुका है, अब एक प्लांटों को देखोगे तो इस तरह से दिख रहा है अभी तो प्लांट, ओके। और ये पानी किस तरह से आ रहा है देखो, किस तरह से रुक रुक के आ रहा है। और ये फसल जो आप देख रहे हो ये 4 महीने की हो गई है, जिसमें ये गट्टे की फसल की जा रही है, अब ये 4 महीने की फसल हो चुकी है। इसमें डिफरेंस यही दिखता है आपको, यदि देखो जो केले का पेड़ रहता है उसकी जो हाइट रहती है उसको आप देखोगे तो ये कम ज़्यादा है, तो इसका रीजन 2 हो सकते हैं, ये 2 जो फर्टिलाइजर मिला है वो सफिशेंट नहीं मिला है, या साथ में कुछ पानी की कमी, या आगे पीछे लगाए गए हैं पौधे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पौधे जो गट्टे लगाते हैं वो आमतौर पर ऐसे ही पाए जाएंगे, किसी की हाइट ज़्यादा है किसी की कम है, तो ये डिफरेंस रहता है। टिश्यू में ये बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह से आप साइड में जो छोटे पौधे देख रहे हो इन्हें हम बच्चे बोलते हैं, जो कि जो मेन केले का पौधा रहता है उसके साइड में निकल आते हैं, जिनको काटना जरूरी है क्योंकि ये जो मेन केले का पौधा है उसकी ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि जो आप खनिज प्रोवाइड करोगे वो जो मेन पौधे के साथ साथ ये आज साइड के बच्चे हैं ये भी उसको लेंगे, और जो आप फर्टिलाइजर की जो आप बेनिफिट देखना चाहते हो वो कम दिखेगा।
हेलो दोस्तों, जो आप केले की खेती देख रहे हो उसको लगभग 6 महीने होने को आ गए हैं और इस तरह की केले की खेती है। इस किसान ने क्या किया है कि केले की खेती में जो खरपतवार होती है उसको टाइम पे निकाला नहीं है, जिससे आप देख सकते हो केले की खेती में क्या क्या नुकसान हुआ है। जो आसपास के पौधे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जो छोटे पौधे हैं वो उसी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि खरपतवार निकालने के लिए उसको पावड़ा, जो सवल होता है, उसके हेल्प से निकाला गया है। उसको निकालने के लिए सिंपल पावड़े की हेल्प से जो ज़मीन है उसको खुरचा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और उसे साइड में जो लाइन बनी हुई है पानी देने के लिए, जिसे हमारे यहाँ ढाल बोलते हैं, उसके ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से उन्हें कम बजट में खरपतवार को निकाला है। तो इस तरह उनका यही कहना है कि केले की खेती में कम खर्च करो, क्योंकि केले की खेती एक रिस्की खेती है, कभी कभी कम पैसे भी मिलते हैं। तो उस तरह से यदि आप ज़्यादा बजट लगा दोगे तो मुनाफे में उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा जितना कि आपको चाहिए। और देख सकते हो कुछ केले के पौधे ने बहुत ग्रोथ की है, जैसे कि सामने पौधा है, ये 6 महीने के लगभग की खेती है। और इस तरह से खेती का रिस्पॉन्स है, जैसे कि आप पौधे के हाइट भी देखोगे तो ये 6 से 7 फीट की है। इसके बहुत से रीजन है। पहला रीजन तो है कि पोषक तत्व, जो भी फर्टिलाइजर है या वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह की खाद इस पौधे को प्रोवाइड नहीं की गई है। साथ में इसमें जो मिट्टी रहती है वो भी काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी में क्या रहता है, पौधा शुरू में बहुत तेज़ी से चलता है, पर बाद में वो मिट्टी बहुत जटिल हो जाती है, इससे जड़ अंदर नहीं जा पाती और पौधा बहुत स्लो गति से ऊपर की ओर बढ़ता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें जो खरपतवार उगती है उसका भी अच्छे तरह से सोलूशन नहीं किया गया है, टाइम टाइम पे निकाला नहीं गया, जिससे जो पोषक तत्व केले का पौधा जमीन से रहता है वो खरपतवार भी साथ में लेता है, और इस कमी के कारण पौधे अपनी ग्रोथ बढ़ा नहीं पाते। यदि आपके पास इमरजेंसी में मजदूरों का सहारा नहीं है तो आप ट्रैक्टर का सपोर्ट ले सकते हैं, और बाई चांस वो भी नहीं अवेलेबल है या किसी तरह से आप ट्रैक्टर का उपयोग नहीं कर सकते इस खेती में, तो आप जो मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध है चारे के लिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं एक लिमिट सीमा में, जिससे कि फसल में भी किसी तरह का लॉस नहीं होगा और साथ में आपको भी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये पौधे छोटे हैं, पर इनसे केलों के डंठल निकल चुके हैं जो कि बहुत लंबे हैं। इसमें कम से कम 10 से 12 दर्जन के लगभग केले हैं, पर माना जाए तो इसमें 6 से 7 दर्जन ही केले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक ही पोषक तत्व या केले का पौधा प्रोवाइड कर सकता है और वही जो दर्जन है वो अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने टिशू के केले की खेती के ऊपर भी वीडियो बनाया है, जो कि आप देख सकते हो ऊपर आने वाली लिंक पर क्लिक करके। और साथ में इसके बाद हम जो ये केले की खेती कर रहा है, जिन्होंने कंद का उपयोग करके ये केले की खेती की है, उनका भी एक इंटरव्यू लेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई और इससे कम से कम उनको कितना मुनाफा होगा या किस तरह का लॉस होगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।